हेलो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं जो कि अल्किन का पार्ट है और हाइड्रोकार्बन इन चैप्टर में यूनिट अल्किन और उसमें आइसोमेरिज्म ये पार्ट भी हमें पढ़ना है। तो ये जो डेफिनेशन है यहाँ पे हमने लिखी है, पहले ही हमने आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिख के रखी है फ्लोशीट में, वही डेफिनेशन यहाँ लिखना है। सिर्फ अगर आपको आइसोमेरिज्म इन अल्किन ऐसे पूछते हैं तो आपको एग्जाम्पल अल्किन के देने होते हैं, सिर्फ ये बात ध्यान में रखना है। बाकी सब डेफिनेशन 11-12 में वो वैसे ही लिखनी है जैसे हमने इसके पहले फ्लोशीट पे लिखी है। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे पहले हम अल्किन की। ओके, आइसोमेरिज्म की तो लिखी है, तो अल्किन क्या है? दे आर अनसैचुरेटेड। हमने अल्किन में क्या लिखा था? सैचुरेटेड। क्यों लिखा था? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड थे इसके, यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए अनसैचुरेटेड। व्हाई अनसैचुरेटेड? क्योंकि इसी जगह पर रिएक्शन होती है, डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल होता है, अगर ट्रिपल रहता है तो डबल फिर सिंगल, ऐसा होता है। यानी ये क्या है? अनसैचुरेटेड पार्ट। सो दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट वन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। यानी वो हाइड्रोकार्बन तो है पर यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए वो अनसैचुरेटेड। से थ्री वर्ड्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जनरल फार्मूला CnH2n, जितने n उससे डबल। अब एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड वहां पे चाहिए, यानी C1 वहां पे नहीं आएगा, C2 से आएगा, यानी मिनिमम एक बॉन्ड वहां पे रहना चाहिए। इसलिए n इक्वल टू 2, 3, 4 एक्सेट्रा। नाउ द आइसोमेरिज्म इन अल्किन्स। तो आइसोमेरिज्म दो तरह की दिखाता है अल्किन, एक स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल। जब हमें ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन अल्किन, तो हमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की वही डेफिनेशन लिखनी है जो हमने इसके पहले फ्लोशीट में लिखी है। सिर्फ एग्जाम्पल क्या रहेगा? अल्किन का। अगर हमें आइसोमेरिज्म अल्किन का पूछते हैं तो फिर अल्किन का एग्जाम्पल रहेगा। ऐसे सिर्फ एग्जाम्पल चेंज होंगे, बाकी जो कंसेप्ट है वो वही की वही है जो हमने पहले फ्लोशीट में पूरा लिखा है। हमने स्ट्रक्चरल का लिखा है, ज्योमेट्रिकल लिखा है, ज्योमेट्री में सिस्ट्रांस ये आइसोमर के बारे में लिखा है, सब हमें पता है। सिर्फ अभी एग्जाम्पल यहाँ पे अल्किन के लेने हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डेफिनेशन एज प्रीवियस, जैसे पहले हमने पढ़ा है वही। एग्जाम्पल ब्यूटीन का अगर हम लेते हैं तो ये देखिए जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन रहती है यहाँ पे C4H8। अब यहाँ पे 3 आइसोमर्स पॉसिबल है और स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या रहता है? जो पैटर्न रहता है चेन का विच हैविंग द फंक्शनल ग्रुप वो अलग अलग रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। ब्यूट वन इन, यहाँ पे नंबर वन पे क्या है? डबल बॉन्ड है, इसका 4 कार्बन एटम है, एक डबल बॉन्ड है, ई है, वन पे डबल बॉन्ड है फंक्शनल ग्रुप और 4 कार्बन से ब्यूट, तो नाम क्या हो गया? ब्यूट वन इन। अब यहाँ पे देखो 2 नंबर पे है डबल बॉन्ड तो ब्यूट 2 इन। और यहाँ पे देखिए ये वाली चेन हम सिलेक्ट करेंगे या एज, अगर ये वाली चेन सिलेक्ट करते तो ये हो गया उसका प्रीफिक्स में नाम लिखना होता है। तो ये 1 नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड है, तो 3 कार्बन यानी प्रोप 1 इन, ये 1, 2, 3 ये हो गया प्रोप 1, डबल बॉन्ड है इसलिए इन। और ये मिथाइल ग्रुप का अलग नंबर और नाम, सेकेंड पे है इसलिए 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। ऐसे 3 आइसोमर्स पॉसिबल है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो हमें ये एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछते हैं हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर प्रेजेंट फॉर ब्यूटी, कितने हैं? 3 है। नाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसकी भी डेफिनेशन हमें पहले जैसे लिखनी है जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, वही वो अच्छे से आप करके रखो क्योंकि वो 11th में भी काम में आने वाला है, 12th में भी। तो यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं ब्यूट 2 इन का, यानी ये वाला एग्जाम्पल इसका लेते हैं। एक ही इसमें सिस और ट्रांस है, जैसे ये सिस आइसोमर है। क्या है सिस आइसोमर? जो आइडेंटिकल ग्रुप होते हैं दे लाय ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, जैसे डबल बॉन्ड के इस साइड में, ये इस साइड में रह सकते, इस साइड में रह सकते, इस साइड में रह सकते, इसको हम कैसे भी घुमा सकते। ओके, तो ये हो गया सीज ब्यूट टू इन, इसको कहते हैं सीज ब्यूट टू इन। और ट्रांस आइसोमर में क्या होता है? ऐसे डेफिनेशन है जहां सेम साइड है, साइड ये जो दिखा है सेम, तो यहाँ पे अपोजिट आ जाएगा। सो आइडेंटिकल ग्रुप लाय ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, और यहाँ पे दिख रहा है हमें अपोजिट साइड में सिमिलर ग्रुप है, तो ये हो गया ट्रांस ब्यूट टू इन। ओके, इस तरह ये बहुत ही सिंपल टाइप का पोर्शन है जो हमने अभी आइसोमेरिज्म में देखा है। इसके बाद हम इसके प्रिपरेशंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।